चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के चुबली स्टार दिनेश ललादव ने रहुआ की शेरे हिंदुस्तान पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर होली के मौके पर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। जी हां, लगातार पांचवें दिन भी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर शेरे हिंदुस्तान की कमाई जारी रही। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि सोमवार को इसका कलेक्शन थोड़ा डाउन रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो पांचवें दिन भी शेरे हिंदुस्तान ने करीब 8 से 10 लाख रुपए का कारोबार भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर किया है। और अगर हम पांच दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 55 से 60 लाख रुपए का कारोबार कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि शेरे हिंदुस्तान के फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है कि फिल्म ने पांचवें दिन में कितना कलेक्शन किया है। और आपको बता दें कि शेरे हिंदुस्तान में जहां निरहुआ का बिल्कुल देशभक्ति अंदाज दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है, खास करके निरहुआ के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमा घरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं और उनके डायलॉग को कॉपी करते हुए सिनेमा घरों में नजर आते हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है, खास करके निरहुआ नेपाल के खूबसूरत वादियों में जोरदार रोमांस के साथ साथ जोरदार एक्शन पैक अंदाज में नजर आते हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ का धमाकेदार फिल्म शेरे हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर शेरे हिंदुस्तान जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देख लिया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का देशभक्ति अंदाज शेरे हिंदुस्तान में कैसा लगा।